सोलो गाइस, मेरा नाम सिद्धि जी का, आप देख रहे जीके सेशंस। आज मैं रिएक्ट करने वाला हूँ जवान का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया है फ्रॉम रेड चिलीज एंटरटेनमेंट में। और इस मूवी में जो जो कास्ट है वो है अपना शाहरुख खान सर, एट नयनतारा, दीपिका पाडुकोण एंड प्रिया मणि। सो ये ट्रेलर रिलीज हुई है 3 आवर्स अगो और उस 3 आवर्स में 10 लाख व्यूज आ गया है। एंड ट्रेलर जब भी रिलीज हुआ है, मतलब एक टाइम रहता है कि 12 बजे को रिलीज होगा, 1 बजे को रिलीज होगा, लेकिन इन्होंने 12 बजे होने से पहले 2 मिनट पहले इन्होंने रिलीज किया है, 11:58 को रिलीज किया है। आज अभी जब भी मैं बाहर गया था तभी मेरे को ट्विटर ओपन देखा था, तभी मेरे को पता चला कि जवान का ट्रेलर रिलीज हुआ है। तो मैं सोचा कि जितना जल्दी मेरा काम हो सके, जैसे हो गया तो मैं भाग के आके मैं ट्रेलर आके आपके सामने रिएक्ट करूं। सो गाइस, अभी टाइम हो रही है 3:05 हो रही है, टाइम 3:05 हो रही है। सो गाइस, ये ट्रेलर को देख लेते हैं। मुझे पहले क्या लगा था कि जवान का प्रीव्यू जैसे ट्रेलर निकाला है, आपने जो नहीं देखा रहेगा तो देख लीजिए। जवान का प्रीव्यू ट्रेलर निकालने के बाद कुछ नहीं आएगा मैं सोचा था, लेकिन बाद में मैं देखा तो जवान का ऑफिशियल ट्रेलर रिलीज किया है, देखा तो मैं बहुत शॉक हो गया हूँ। सो गाइस, ये ट्रेलर है 2:45 सेकेंड्स का ट्रेलर है, हिंदी तमिल एंड तेलुगु में रिलीज किया है। मैं हिंदी तमिल रिएक्ट करने का मैं ट्राई करता हूँ, ये हिंदी ट्रेलर रिएक्ट करने के बाद नेक्स्ट वीडियो वाला तमिल रिएक्ट करूंगा मैं, देखते हैं गाइस क्या होगा, अगर ट्राई करूंगा मैं। सो गाइस, ये ट्रेलर देख लेते हैं गाइस। सो गाइस, ये ट्रेलर देखने से पहले, और अब चैनल पे नए तो चैनल पे आके सब्सक्राइब बटन दबाकर, सर्वे पर आइकॉन वाला बटन दबाकर हमें सपोर्ट कर सकते हो। और अब अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में अभी तक मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उधर क्लिक करके फॉलो करना। चलो बिल्कुल शुरू करते हैं। ऐसा की सर मुंबई में हुए इस हाईजैक ने पूरे देश में सनसनी मचा दी है। ओ साइक है, साइक चाहिए तो आलिया भट्ट। सब उसके फैन बने पड़े ना। सही तो बोला। कोई नाम है? एस आर के, सर के शाहरुख खान। बीजीएम देखो गाइस, बीजीएम। हमारे पास अभी सिर्फ एक ही क्लू है, कुछ लड़कियां कुछ रोमांटिक कर रही है, मुझे इंप्रेस करने की। ये बाल उसने क्या, अपने हेयर डाई किया? विजय सिंह सर। माय नेम इज काली। ओ काली। आई एम द फोर्थ लार्जेस्ट वेपन डीलर इन द वर्ल्ड। ओ अगर कोई मेरे इतने बड़े शॉट हाथ लगाएगा तो हम जो मान अपनी जान हजार बार दाम पर लगा सकते हैं, लेकिन सिर्फ देश के लिए, तुम्हारे जैसे देश बेचने वालों के लिए हर किसी नहीं। सही बोल। सो काली, नो डील। करेक्ट से ऐसा के बेटे को हाथ लगाने से पहले डबल रोल है क्या? डबल रोल ही है एटली सर का मूवी में, डबल रोल ही तो रहेगा। अभी वो म्यूजिकल है। वाह जवान। वाह, अब और क्या चाहिए? भाई एक बार में क्या दिख रहे हैं एसआर के सर। ओह
सो गाइस मैं ट्रेलर देख लिया हूँ, 2:45 किसे गया पता नहीं, पता भी नहीं चला इस मूवी में, इस ट्रेलर में क्या नहीं है बोलो। एक्शन है तो एक्शन है, फाइट है तो फाइट है, इमोशन है तो इमोशन है, और मोटिवेशन है तो मोटिवेशन है, और क्या बोलते हैं पावर है तो पावर है, सब कुछ है इस ट्रेलर में। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा ये ट्रेलर देखने के बाद। इस साल के का एक एक लुक देखो गाइस टोटल, ये लुक बात करने से पहले मेरे को क्या लग रहा है कि इसमें इस साल के सर का डबल रोल रहेगा, पापा और बेटे का। पापा का लुक देखो गाइस पूरा व्हाइटिश और व्हाइटिश दाढ़ी पूरा खतरनाक लग रहा है, एंड बेटा भी पुलिस के गेटअप में रहने दो और विदाउट मुस्टाज में रहने दो और फौजी में रहने दो जवान में मूछ, और नॉर्मल में जो पब्लिक में जो लुक में जाते हैं वो तो मूछ प्लस दाढ़ी कड़क है पूरा। अच्छा और एटली सर का मूवी का बोलने का कुछ नहीं है, जो जो पिछले 3 मूवीज देखा रहेगा कि 3 मर्सल एंड बिगिल, एटली सर को पता कि ऑडियंस को कैसे रुलाना है, कैसे इमोशनल देना है और किस टाइम पे हंसाना है और किस टाइम पे गुस्सा आने का। सो गाइस ओवरऑल तो ट्रेलर तो बहुत अच्छा है, नयनतारा का भी एक्टिंग रहने दो और दीपिका पादुकोण का भी एक्टिंग रहने दो, डुअल रोल अच्छा है, मतलब एक बेटा नो एक लगता है एक पापा का रोल और दो सन का रोल, क्योंकि ड्यूअल रोल है ना पापा और दो बेटा, एक का तो नयनतारा है दूसरा दीपिका पादुकोण है, अगर ऐसा नहीं रहेगा तो पापा वाला का दीपिका पादुकोण रहेगा नहीं तो बेटा वाला नयनतारा, ऐसे ऐसे भी रहेगा ना, क्योंकि मेरे को हाँ मेरे को तो मर्सल मूवी में 3 विजय सर था, एक पापा वाला और दो बेटा वाला, ऐसे इसमें रहेगा मेरे को ऐसे हल्का सा डाउट लग रहा है, लेकिन ट्रेलर तो देख लिया हूँ ऐसा होने का चांसेस नहीं है मेरे को लग रहा है, एक पापा और एक बेटा, पापा वाला दीपिका पादुकोण और बेटा वाला नयनतारा, और एटली का बीजेम ब्रेंड होगा इस, हल्का सा मेरे को विक्रम जैसा फील हुआ था, विक्रम का टच आ रहा था, मतलब हाई वाला एक शॉट दिखाने टाइम पर बीजेम पे डाला तो कैसा रहेगा वो बीजेम, मतलब एक आप नोटिस में बोल ही सकता कैसा है, लेकिन आप वो शॉट वाला आप सुना रहेगा कि हाँ ये तो मैं विक्रम में सुना सुना लग रहा है, ऐसा आप सोचोगे। सो गाइस अभी भी टाइम है मूवी को रिलीज होने का और 7 days बाकी है, क्योंकि 7 September को लॉन्च हो रहा है ये मूवी, में कैसे भी करके देख लूंगा, लेकिन गाइस मेरा एग्जाम चल रहा है गाइस, मेरा एग्जाम्स नहीं रहेगा तो मैं कॉन्फिडेंटली मूवी देखना जाऊंगा, लेकिन मेरा एग्जाम्स चल रहा है तो कैसे, मतलब 7 तारीख को तो एग्जाम्स नहीं है, 7 के बाद 3 दिन के बाद मेरा एग्जाम्स है, तो सोचू के क्या कैसे जाऊँ मूवी देखने का, तो आपको सोचेगा कि आप सोचेंगे कि एग्जाम्स तो 10 तारीख को है ना, तो 10 तारीख के बाद जाना एग्जाम मतलब मूवीज देखना, मेरे को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखना वो मेरा प्लान है, क्योंकि फर्स्ट डे फर्स्ट शो में कभी शाहरुख खान सर का मूवी देखा नहीं हूँ, वो भी साउथ इंडियन डायरेक्टर का एक बॉलीवुड में एक मूवी बना है वो कभी भी नहीं देखा हूँ, अभी पहली बार ऐसे हो रहा है, तो पहली बार में फर्स्ट टाइम फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने का, देखूंगा गाइस क्या होता है, अगर चांस मिला देख तो उसका एक लाइव वीडियो आएगा मेरा, मतलब कैसा मैं मूवीज का टिकट लिया सब वीडियोस जल्दी आएगा। सो गाइस ट्रेलर तो बहुत अच्छा था, अभी नेक्स्ट वीडियो इस ये ट्रेलर हिंदी वाला ट्रेलर तमिल में रिएक्ट करूंगा। सो गाइस ओवरऑल ट्रेलर बहुत अच्छा था, सो गाइस ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज लाइक करना शेयर करना कमेंट करना, और अब चैनल पर नहीं तो चैनल पर जाके सब्सक्राइब बटन दबाकर सर्वर पे लाइक बटन दबाकर हमें सपोर्ट कर सकते हो, और अब अभी तक मुझे इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाके क्लिक करके फॉलो करना। सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं, सो गाइस स्टे सेफ कीप पीस बाय।